छात्रों गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों आज हम लोग सामाजिक अध्ययन में पंचशील सिद्धांत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पंचशील सिद्धांत क्या है, इनका प्रतिपादन किन देशों ने किया और किस परिस्थिति में किया गया। आप लोग जानते हैं पहले साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, उपनिवेशवादी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत कुछ यूरोपीय देश थे जो एशियाई देश, अफ्रीकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश, इन देशों पर ये लोग अपना कब्जा जमाए हुए थे, यानी ये देश इनको परतंत्र बना के रखा हुआ था, वहाँ पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया था, अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया था। इन देशों ने बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद अपने देश को इन साम्राज्यवादी शक्तियों और उपनिवेशवादी शक्तियों के चंगुल से छुड़ाया था। इसलिए जब ये लोग साम्राज्यवादी व्यवस्था और उपनिवेशवादी व्यवस्था से स्वतंत्र हुए, तब इन लोगों ने सोचा कि अब हमें किसी ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए जिससे हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता, हमारी संप्रभुता की रक्षा हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम भारत ने और चीन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। लगभग इसी समय चीन भी स्वतंत्र हुआ था। इसलिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किया था। कब किया था? 20 जून 1954 को। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस सिद्धांत का अर्थ क्या था, इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि ये जो एशियाई देश, अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश जो स्वतंत्र हुए हैं, ये अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता को हमेशा बरकरार रखें। तो इस पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत यानी पांच बातें हैं, इसी के आधार पर इसका नाम पंचशील सिद्धांत पड़ा है। तो सबसे पहले उसमें पहली बात हम देखते हैं, प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना। प्रत्येक राज्य द्वारा यानी दूसरे राज्य की जो एक प्रादेशिक अखंडता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो संप्रभुता है, रक्षा करेंगे। यानी प्रत्येक देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इसका तात्पर्य है कि जो अभी हाल ही में जो देश आज़ाद हुए हैं, उनको दोबारा फिर गुलाम नहीं होना पड़ेगा यदि इस नीति का अनुसरण सभी देश करेंगे। दूसरा है, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, जो देश शक्तिशाली होता था, जिसके पास शक्ति होती थी
वह दूसरे देश पर आक्रमण कर देता था और उसको अपना गुलाम बना लेता था। तो दूसरा सिद्धांत इसका यह था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना। हर एक देश की एक अपनी आंतरिक नीति होती है, उसका एक आंतरिक मसला होता है, और जब देश गुलाम हुए थे तो इसी बेस पर हुए थे, क्योंकि जो यूरोपीय महाशक्तियाँ थीं वो इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे और उनको गुलाम बना लेते थे। इसलिए पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत जो तीसरा नियम था उसमें यह था कि प्रत्येक देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा है एक दूसरे के साथ समानता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना। एक दूसरे के साथ यानी वो समानता का जो सिद्धांत है उसका पालन करेंगे और पारस्परिक लाभ के लिए यानी एक दूसरे को वह लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते रहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता ही जो वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसका मूल आधार है। इसलिए समानता स्वतंत्रता का पालन सभी देशों को करना होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उन देशों के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो, स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन हो, और ये देश एक दूसरे को पारस्परिक लाभ स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित करेंगे, ना कि किसी प्रकार की कटुता फैलाने के लिए या कि वैमनस्य फैलाने के लिए काम करेंगे। अगला है शांति सह अस्तित्व के सिद्धांतों को स्वीकार करना। शांतिमय सह अस्तित्व, शांतिमय यानी ऐसा काम करेंगे जिससे इन देशों के मध्य शांत स्थापित हो, शांति बनी रहे, और सह अस्तित्व यानी एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के अस्तित्व, एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये जो है पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत ये पांच बातें हैं, क्योंकि इसका नाम ही पंचशील सिद्धांत है। और सबसे पहले हमने बताया कि इसका प्रतिपादन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउन लाई ने किया। इस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार कर लिया, परंतु चीन ने इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया। यानी पंचशील सिद्धांत को उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन वर्तमान समय में अब ऐसी स्थिति आ गई है जब पूरे यानी विश्व में परमाणु युद्ध का मंडरा परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, और विश्व जो है तृतीय विश्व युद्ध की ओर खींच रहा है, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे समय में ये जो पंचशील सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम जो 1954 में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत ने किया, अगर इस सिद्धांत को हम फॉलो करें, इस सिद्धांत के अनुसार हम चलें, और इस सिद्धांत के अनुसार हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण करें, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम अपनी आंतरिक नीति का निर्धारण करें, तो निश्चित ही जो तृतीय विश्व युद्ध की एक आशंका है, जो तृतीय विश्व युद्ध का एक भय है, और आप लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध में कितनी जनधन की हानि होती है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी, तो इन सारी संभावनाओं से हम लोग बच सकते हैं यदि पंचशील के सिद्धांतों का पालन करें। तो ये था पंचशील का सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद।